अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इन जनरल आपकी जो कट ऑफ हो सकती है, जो आपका सेफ स्कोर हो सकता है, वो कितना हो सकता है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक वीडियो बना के लेके आऊंगी जिसके अंदर मैं जोन वाइज आपको सेफ स्कोर बताऊंगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो मैं अब यहाँ पे आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और जोन वाइज आपकी कितनी हो सकती है आरआरबी, एनटीपीसी, CBT 1 के लिए। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे अहमदाबाद की यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है, मतलब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सेफ स्कोर रह सकता है, वो 62 रह सकता है। 10-2 सारी ही कैटेगरीज के ऊपर गाइज यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा आपका। अजमेर का यहाँ पे 70 हो सकता है, अलाहाबाद का यहाँ पे 70। तो जो अलाहाबाद और अजमेर है ये दोनों ही हाई स्कोरिंग जोन है। तो आप यहाँ पे जो अजमेर है, अजमेर जोन की यहाँ पे सबसे ज्यादा कट ऑफ इस बार जा सकती है। तो इसका तो आप यहाँ पे +-3 ही मान के चलिए, इतनी आपकी यहाँ पे जा सकती है। सबसे ज्यादा आपको जो कट ऑफ देखने को मिल सकती है वो अजमेर जोन की देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पे बैंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, सबकी यहाँ पे जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिखी हुई है। आप इसको आराम से देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं। सारी ही कैटेगरीज की यहाँ पे लिखी हुई है और भी सारी जितने भी पूरे 21 जोन्स हैं उन सभी की यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर बताया गया है, वो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। उसके बाद यहाँ पे गोरखपुर है और गाइस यहाँ पे वैकेंसीज भी लिखी हुई है कि आपके जोन में यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं किस जोन से। अब यहाँ पे कोलकाता देखते हैं, कोलकाता की गाइज यहाँ पे 67 जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मालदा जोन के काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कितनी जा सकती है। तो यूआर कैटेगरी की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की 52 और एससी की 47, +-2 सारी कैटेगरीज के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे मुजफ्फरपुर, पटना, रांची सबकी लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में भी काफी सारी वैकेंसी थी, यहाँ पे 65 आपकी यूआर कैटेगरी की जा सकती है। सिलीगुड़ी के अंदर यहाँ पे जो है वैकेंसीज कम है, लेकिन यहाँ पे जो पर सीट कॉम्पिटिशन है गाइस वो भी कम है। 56 ही यहाँ यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है, मतलब +-2 आप सारी कैटेगरीज के ऊपर एप्लीकेबल ही यहाँ पे रखिए। तिरुवनंतपुरम की गाइज यहाँ पे 60 जा सकती है, यूआर कैटेगरी की 58 जा सकती है, ओबीसी कैटेगरी की 56, ईडब्ल्यूएस की, एससी कैटेगरी की यहाँ पे 54 और एसटी की 51। और यहाँ पे भी जो पर सीट कॉम्पिटिशन है वो काफी कम है, तो इसी के रेंज में आपकी जो कट ऑफ जो सेफ स्कोर है आपको वो देखने का है, आपका जो कट ऑफ जाएगी वो इसी के रेंज में जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब रही बात बिफोर नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि अभी तक रॉ स्कोर के बेसिस पे ही हम लोग ये देख रहे हैं कि किन किन का CBT 2 के अंदर सिलेक्शन होगा। तो सेफ स्कोर बिफोर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगी जोन वाइज, और आप उसमें देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।